गोबिंद साहब सच्चे पातशाह दोनों एक सिख ने बेनती करके पूछिया, गरीब निवाज गुरु नानक दे घर विच कड़ा प्रसाद ही क्यों प्रवान है? होर भी तां प्रसाद हन, केलियां दा प्रसाद, संतरियां दा प्रसाद, कड़ा प्रसाद नूं ही क्यों प्रवान कीता जांदा? मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी बोले, कड़ा प्रसाद विच तीन पदार्थ पैंदे ने, ये तीनों ही पदार्थ अपने आप नूं मिटा के आए हन इत्थों तक, ते जेड़ा अपने आप नूं मिटा के गुरु दे दर ते पहुंचदा है ओही प्रवान होंदा है। आख्या कड़ा प्रसाद विच इक तां आटा पैंदा, दूजा खंड पैंदी है चीनी, तीजा घिओ पैंदा है घी, ये तीनों अपने स्वरूप नूं मिटा के आए ने। आ दाणा उगया, फिर खेतां विचों कणक दे दाणियां नूं किवें कढ़िया, ते फिर किवें उह चक्की विच पीसे, ते फिर आटा बने, केड्डी मशक्कत खाली। ते दूजा खंड, पहले गन्ना बनिया, फिर मिल विच गया, फिर उत्थे इहदा रस कढ़िया, किवें कोलू विच पीड़िया गया, किवें रस निकलिया, ते फिर कितने टैंपरेचर ते इहनू बना के उसदे विचों खंड दे दाणे निकले। अख श्री खंड बनी ते कितने निक्के निक्के टुकड़े हो, अपने आप नू मिटाया ना। ते तीजा घ्यो, आख्या घ्यो कित्थों बनदा है? दुध विच्चों, दुध नाल, दुध विच्चों दही, दही विच्चों फिर मक्खन निकलिया, मक्खन विच्चों फिर मक्खन नू अग ते तरिया, ते विच्चों घ्यो निकली। आ तीनों पदार्थां ने अपने आप नू मिटाया, ते जिड़ा अपने आप नू मिटा के गुरु दर ते आके सेवा करदा है ओही गुरु नानक दे दर ते प्रवान हो जांदा। डाउनलोड मौज।